डैड को घोड़े पर देख रहे हो? चलो उन्हें हेलो बोलो। हेलो दोस्तों, ये हिरन हम जश्न के समय आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को देंगे। मुझे उम्मीद है कि शिकार के समय सब सब्र से काम लेंगे। गुड लक, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। आपके घोड़े पर आपकी रॉकिंग चेयर नहीं लग सकती है दादाजी। शाम तक तुम मेरी बंदूक होने वाले बन जाओगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। चलो मार डाला। कमाल की घुड़सवारी थी मेजर। क्या निशाना था सर? ये जंगल घोड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। मौत जीने का जोश देती है। आज तो आप जश्न की जान होंगे। देखो डैडी आ गए। हाय डियर। डैडी कामयाब रहे। इधर आओ बेटा। डैडी। बहुत खूब डैडी। एक दिन तुम और मैं दोनों साथ में शिकार करेंगे। देर हो जाएगी। ओफ, ये भी एक मुसीबत है। तुम तो अपनी सूरत देखकर बड़े खुश हो रहे होगे, लेकिन हमें तो ये सब पहनना पड़ता है ना। पतलून पहननी पड़े तो तुम्हें पता लगे। ओ, वो भी पहन सकती हूँ। जानता हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। सिर्फ अच्छी लग रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कमी है? हिरन तुमने मारा है और आज सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर होंगी। मेरी जान, आज रात मैं अकेला अफसर होऊंगा वहां पर, जिसकी वर्दी पर मेरे रैंक के हिसाब से कोई मेडल नहीं होगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? पता है, आज जश्न में सेक्रेटरी ब्राइस भी आने वाले हैं। वो कहेंगे, ओ मेजर फॉरसेट, तुम्हें कोई मेडल नहीं मिला? नहीं मिला मिस्टर ब्राइस, मैं बहुत बिजी था। वो आदिवासियों को पेड़ों पर निशाना लगाना जो सिखा रहा था मैं। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मेडल कहाँ मिलता है सर? एक बात बताओ, अपने घर में तुम्हारे सेक्रेटरी ब्राइस क्या होते हैं? एक ऐसा आदमी जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ओ, अच्छा। मेरी उम्र बढ़ रही है चिकी, और मैं कई साल पहले ही बर्बाद कर चुका हूं। देखो, मैं जानता हूं मेडल्स मायने नहीं रखते, अच्छे से जानता हूं, पर यह हमारा आखिरी मौका होगा। लॉर्ड बर्नार्ड, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेक्रेटरी ब्राइस, यह है मेजर फॉरसेट। मेजर, खुशी हुई सर। आपकी इनायत है मेजर। मैं आपको सेक्रेटरी ब्राइस समझाता हूं। मेजर और मिसेस पर्सी फॉरसेट।
तुम्हारे बिना ही शिकार का जश्न मना रहे हैं। ये शानदार जानवर हमारी सरकार की तरफ से आपकी सरकार को तोहफा है। खैर मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं डांस कर सकता हूँ? बहुत जल्दी बोल गया कर्नल। अच्छा ये बताओ, ये शिकार किसने किया था? मेजर फॉसेट ने किया था मिस्टर सेक्रेटरी। तो उन्हें डिनर पर बुला लीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, वो अपने पूर्वजों के मामले में थोड़े बदनसीब है। अच्छा ठीक है, ये बताइए लेडी बर्नार्ड कैसी है? ठीक है सर। जल्दी करो, जल्दी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चलो आ जाओ। 20 से ज्यादा संदूक नहीं पकड़ो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। फॉसेट, ये लो इसे फिर। सर तुम कल लंदन जा रहे हो, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में। रॉयल जियोग्राफिकल? सर तुम्हें एक बड़ी खोज के लिए जाना है, बड़ा रोमांचक काम होगा। थैंक यू सर। चलो जल्दी। Thank you. Major Fawcett, sir. अंदर आओ। मैं हूँ सर जॉर्ज गोल्डी, आरजीएस का प्रेसिडेंट। यह मिस्टर जॉन स्कॉट केल्टी, हमारे सेक्रेटरी। आप कैसे हैं मेजर? मैं अच्छा हूँ सर। जब आप कुछ साल पहले यहाँ काम कर रहे थे तब हम कभी मिल नहीं पाए हैं ना? जी कभी नहीं मिले सर, उस वक्त शायद मेरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर कुछ ज्यादा ही था। पता है, आइए ना बैठिए। थैंक यू। ऐसा लगता है कि सेना ने आपको पहले कई जगहों पर भेजा है। जी हाँ, मैंने स्लोन में सर्विस की है और उससे पहले मैं हांगकांग में पोस्टेड था। हाल ही में मैं आयरलैंड में था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे साम्राज्य के कोने कोने में भेजा जा चुका है। मेजर आप बोलिविया के बारे में क्या जानते हैं? बोलिविया तो साउथ अमेरिका में है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। तब तो आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, हमारे पास ये बोलिविया का सबसे अच्छा नक्शा है। इसका ज्यादातर हिस्सा तो खाली है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जंगली आदिवासियों का इलाका है, मगर वहां रबर प्लांटेशन है पूरे अमेजोनिया में, फायदे की चीज है। और अभी तो बोलिविया और ब्राजील के बीच इस बात का झगड़ा है कि उनकी सरहद क्या है। रबर एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है, इसलिए कभी भी जंग छिड़ सकती है, समझ रहे हैं ना आप? अच्छी तरह सर। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें मुझे क्या करना है। वही बताने जा रहा हूं। दोनों में से कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी नक्शा बनाए, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है रेफरी की तरह। मेजर आपने उस इलाके का नक्शा जिस तरह बनाया है इसलिए हमने आपको चुना है। समझ गया। मैं जरा खुल के बात कर सकता हूँ क्या सर? कहिए। ये सर्वे का काम मैंने बहुत पहले किया था सर, और सच कहूं तो मैं अब कुछ ऐसी पोस्टिंग चाहता था जिसमें मुझे कुछ एक्शन देखने को मिले सर। मेजर ये काम सिर्फ सर्वे का ही नहीं है, आपको जंगल में जाकर खोज करनी है, और वो जगह बड़ी ही खतरनाक पीहड़ है।
भयानक बीमारियां, आदमखोर वहशी लोग, वहां आपकी जान भी जा सकती है और आप शायद कई साल तक वापस भी ना आ पाए। लेकिन मान लीजिए कि आप इस काम में सफल हो गए तो आपको बड़ा सैनिक सम्मान मिलेगा और आपके परिवार का नाम भी होगा। हम आपके पिता को जानते हैं। क्या बात है? हाँ, मैं उन्हें नहीं जानता। बड़ी अफसोस की बात है, उन्हें शराब और जुए की बुरी लत थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर इस काम में कामयाब हो गए तो सब कुछ बदल जाएगा पूरी तरह से। सब चीज पास से दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी लग रही है। तुम तो बड़े लग रहे हो, बिग बैन की तरह गोल गोल दिख रहा है। आपको भी गोल गोल दिख रहा है? जाके अब तुम खेलने जाओगे? मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। मेरे लिए फूल ले आओगे प्लीज? मैं इसके लिए बॉल फेंकू क्या? हाँ। रेडी स्टेडी। रेडी। वाह, इतनी दूर। उसे नहीं पता कि तुम वापस कब आओगे, लेकिन तुम्हें जाना है ये मुझे पता है। क्या बात है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शायद मैं फिर से मां बनने वाली हूं। शायद उसका छोटा भाई। फिक्र मत करो, मैं सब अकेले संभाल लूंगी। कहाँ चली गई? वो तो मैं जानता हूं। चीकी डार्लिंग, मैं जानता हूं कि हम सब कुर्बानी दे रहे हैं, मगर ये बहुत जरूरी है। मुझे पता है ये बात। मैं थक गया। आ जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? हेनरी कॉस्टिन,
मैंने टाइम्स में आपका इश्तिहार देखा था, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। मिस्टर कॉस्टिन, जूरी ने क्या तय किया? हम एक हफ्ते से सफर पर हैं और आपको अब वक्त मिल रहा है मुझसे मिलने के लिए? ये देखने कि आप सचमुच जा रहे हैं या नहीं। सर, आपने पी रखी है मिस्टर कॉस्टिन? नहीं। तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत बोला भी है। मेरी एक बहुत बुरी लत है, लेकिन मैं राइफल और पिस्टल्स चलाने में बहुत माहिर हूँ। बहादुरी का मेडल भी जीत चुका हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। परिवार है तुम्हारा? मेरा अपना कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई नहीं? तो क्या आपको फिक्र होगी सर? मिस्टर कॉस्टिन, आप एक बात जान लीजिए, इस मिशन में मेरी इज्जत दांव पर है, सब कुछ मेरी कामयाबी पर निर्भर करता है। आप जल्द ही समझ जाएंगे कि मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी। ओह, मैं समझ गया सर। हमें आपका पूरा ध्यान और काबिलियत चाहिए। बिल्कुल सर। अब हम लोग खोज करता है। अभी अभी एक तार आया है, नए आदेश आए हैं। हमें वर्डे नदी पर जाना है और उसका स्रोत ढूंढना है। ये बोलिविया और ब्राजील के बीच की सरहद का अहम हिस्सा होगा। हमारे सर्वे का रास्ता शुरू होगा इस जगह से, फजेंडा जैकोबीना, जो इस नक्शे पर कहीं भी नहीं है। मैं उस शहर के बारे में जानता हूँ। वो एक पुराना रबर टाउन है, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। अच्छा, मतलब तुम काम की बात भी करना जानते हो। समय इस वक्त बहुत अहम है, यहाँ जंग होने वाली है। तो आप, मैं और कुछ खच्चर उस जंग को रोकने वाले हैं? नहीं, तुम और मैं एक दूसरे पर निर्भर करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ के बिना हम लोग मर जाएंगे यहाँ। बिल्कुल सही कहा। वैसे आप क्या पढ़ रहे हैं? कविता मेरी बीवी ने दी है, किपलिंग ने लिखी है, उसका नाम है द एक्सप्लोरर। अच्छा टाइटल है। तुम ये कविता सुनना चाहोगे? अमेज़ोनिया पहुंचने में हमें बहुत वक्त लगेगा। जी हाँ, सुनाइए। आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे तो अंत हो जाता है। बस्ती के लोगों ने ऐसा कहा और मैंने मान लिया। खेती लायक जमीन बनाई और फसल बो दी, एक झोपड़ा खलियान बनाए और सरहद के पास ही उसकी बाड़ भी बना दी। वो जगह थी एक पहाड़ी की तलहटी में, जहां आकर सारे रास्ते खत्म हो जाते थे। मगर तभी सुनाई थी एक आवाज, वो शायद मेरे मन की आवाज थी। वो दिन रात बस एक ही बात दोहराने लगी, कानों में फुसफुसाने लगी, कुछ तो छिपा है, जाओ और उसे ढूंढो, जाओ और पहाड़ों के पीछे ढूंढो, उन पहाड़ों के पीछे कुछ तो छिपा है, जाओ और उसे ढूंढो, जाओ। उनतीस डिग्री उस तरफ, इक्वेटर के दक्षिण की तरफ 16 मिनट। 29 16। ये सांप तो बड़ा खतरनाक है दिखने में। शायद हम इंग्लैंड वाले इस जंगल के लायक नहीं हैं।
एक अनजान जगह पर फंसे अजनबी। A grande casa de ópera e a linda fazenda Jacobina. Agradecimentos ao Barão de Gondores e à Companhia de Mineração Inca. Por favor, tenham em mãos os seus ingressos. Boa noite, Jacobina. À vontade. मेजर फॉसेट, आप ही हैं ना? हाँ। फेजेंड जैकोबिना में आपका स्वागत है। लैंस कॉर्पोरल मैनली, गवर्नर जनरल का सैनिक सर। फिलहाल सिर्फ हाथ मिलाना काफी है। ये हैं मिस्टर कॉस्टिन। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बुरी खबर है। मुझे एक टेलीग्राम मिला है बॉर्डर कमीशन की तरफ से। क्या लिखा है? उसका कहना है कि आप ये अभियान बंद कर दें। मामला बड़ा खतरनाक हो गया है सर। वो आपस में लड़ने लगे हैं। सरकारी दफ्तर किस तरफ है? सर, सरकार, सर, माफ कीजिएगा, सरकार नाम की चीज आप काफी पीछे छोड़ आए हैं। तो फिर एक काम करो, उन्हें एक टेलीग्राम लिखो, उनसे कहो कि अब ये अभियान बंद नहीं होगा और हम अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। एक गाइड का बंदोबस्त कितनी जल्दी हो सकता है? मेरे पास एक इंडियन गाइड था सर, लेकिन तो क्या हुआ उसे? वो क्या, वो कड़ी मेहनत से डरता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बैरन डे गोंडोरिस से बात कर लीजिए, उनकी यहाँ एक रबर कंपनी है। गुड इवनिंग बैरन, हमसे मिलने का शुक्रिया। हम लोग ब्रिटिश आर्मी से हैं, हम रियो वर्डे नदी पर एक अभियान पर जा रहे हैं। हमें आपके कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी और बदले में मैं वादा करता हूं कि मेरा मुल्क आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसे खोलना मत, क्योंकि साला भरोसे के लायक नहीं है। और हाँ, बीच बीच में ठोकते रहना। जाओ यहां से। आप लोग नदी में जा रहे हैं? जी हाँ, सर्वे करने के लिए। अच्छी बात, मगर वहां से कभी कोई वापस नहीं लौटा? कभी नहीं? इससे काम हो जाएगा आपका? हाँ। तुम इंग्लिश बोलते हो? समझ लेता है, हमने सिखाया है। इसके लिए क्या लेंगे आप? ये और इसके पसंद के चार और आदमी। आप मुझसे क्या सौदा करने आए हैं? नहीं, ऐसा प्लीज, नहीं। मुझसे बात करने में शर्म आ रही है? आप यहां नक्शा बनाने आए हैं? क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि यहां शांति रहे? और शांति क्या है? शांति का मतलब मेरा धंधा बढ़ेगा, मैं तरक्की करूंगा। शांति का मतलब है यहां कुछ नहीं बदलने वाला। मैं आपकी मदद करूंगा, पर मुझे यकीन दिलाओ, यहां कुछ नहीं बदलेगा। हाँ,
मैं आपको ये देना भूल गया था मेजर, जब आप सर्वे कर रहे थे तब ये आया था। मुझे दिखाओगे ये नदी कहां तक जाती है? Mucho tiempo sobre el río. Yo conozco todo el río. हमें 3 बड़े राफ्ट और 4 घोड़े चाहिए। यही हमारी टीम है। ऐसा लग रहा है कि इससे बड़े उतावले हैं। यहाँ आपको इनसे ज्यादा भरोसेमंद लोग नहीं मिलेंगे मिस्टर कॉस्टिन। यहाँ सिर्फ हम ही इन्हें पैसे देते हैं। हम दिन में 12 घंटे काम करेंगे, उससे कम नहीं। अगले 2 साल ये नदी ही हमारा घर होगी। हमें कामयाब होना है, दुनिया हमारी खोजों का इंतजार कर रही है। मुझे मछली दिख रही है लेकिन मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता। फिर से कुछ नहीं मिला। कुछ समझ नहीं आ रहा है। नदी बहुत गहरी है, मछलियां भी काफी हैं, लेकिन रेगिस्तान है ये, हरा भरा रेगिस्तान। ठीक है, जाल खींच लो, आगे चलकर फिर से कोशिश करेंगे। मेजर फॉसेट, वो देखिए, वो वहां क्या कर रहा है? रबर की तलाश में आया होगा, और क्या? कहीं वो एल्डोराडो का सोना ढूंढने तो नहीं आया है? जर्मन है, उसके ऊपर हैमबर्ग लिखा है। कोई है भी वहां पर? अरे सुनो, तुम जर्मन हो, बिस्ट टू डार्च, समझ रहे हो? चुप जाओ। कॉस्टिन, पिराना, पानी से बाहर निकलो। अरे फॉसेट कहाँ गए? फॉसेट, Oh, my God.
कितना दूर पलटन मुझे सुनानस el río siempre es peligroso pero tú verás mucha gente que vive en la selva ciudades bonitas con oro y maíz más antiguos que los ingleses dentro de la selva Todo está hecho de oro. Brilla todo como el oro. Lo siento, inglés. Yo seré libre. Pero tú nunca tendrás un escape. किसी सोने के शहर के बारे में बात कर रहा था आज किसी छोटे बच्चे की तरह इसे लगता है हम यहां कब्जा करने आए हैं और अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं तुम अगर ये पढ़ सकते हो तो मुझे पढ़कर सुनाओ ना अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने इसे खुद पढ़ा तो शायद अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा तुम अपने हिसाब से सुना सकते हो जी ठीक है सर आपकी पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ टेवन चली गई उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम है ब्रायन आपका बड़ा बेटा जैक हर काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है मुझे सपनों में अपने बेटे का चेहरा नजर आता है दिमाग खराब हो गया था मेरा कि मैं अपना परिवार छोड़कर यहां चला आया आप आखिर यहां पाना क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता मैं तो बस इतना जानता हूं कि हमें इस नदी के स्रोत तक पहुंचना है Mr. Costin.
पता है मेजर, खाना खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या होगा हमारा? सिर्फ ये बचा है, सिर्फ ये बचा है और कुछ नहीं। ऊपर वाले नक्शा कर हवाए, मुझे दो, मुझे मुझे दो, खुद पर काबू रखो। हम वहशी दरिंदे नहीं। यहाँ सिर्फ हमारी हड्डियां ही बच जाएंगी मेजर, और उसकी वजह पता है? अगर हम वहां पहुंच भी गए तो बिना खाने के वापस नहीं लौट पाएंगे। आपने इसके बारे में सोचा है? भूख से सबकी हालत खराब है। हम यहां सोना ढूंढने नहीं आए हैं, इसे ही खा लेते हैं। मेरा कान। अगली बार तेरे दिल में। थैंक यू मिस्टर कॉस्टा। ना ने ऊआ। पहले कभी कोई यहां तक नहीं पहुंचा है, कोई नहीं, कभी नहीं। हम पहुंच गए। सबसे पहले कमाल की खोज है। मेजर, वो इंडियन नहीं दिख रहा, शायद भाग गया। वो हमें यहां तक ले आया। हमारी आखिरी रीडिंग। ये आखिरी मौका है, हम भूख से मर रहे हैं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा निशाना लगाया सर। क्या है चीफ? मिट्टी के बर्तन है जमीन के अंदर। देखो ये हर तरफ है। जरा देखो ये सब, ये बहुत पुराने हैं। सच कह रहा था, वो गाइड सच कह रहा था।
उसने कहा था कि यहां तक कोई नहीं पहुंचा है। मेरी बीवी को मुझ पर फक्र होगा मिस्टर कॉस्टिन, हम यहां पहुंचने वाले पहले गोरे हैं। हमें लगा था वो गाइड पागल हो गया है, मगर यहां पहले कभी बस्तियां थी। उस जंगली सुअर में हमसे ज्यादा गोश्त है। नरक से बाहर का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है मिस्टर कॉस्टिन, लेकिन हम वापस पहुंचेंगे। दुनिया को पता लगना चाहिए कि हमने क्या ढूंढा है। चलो चलें। बहुत खूब सर। मेजर फॉसेट आप इंग्लैंड के सबसे बहादुर खोजकर्ता हैं। शुक्रिया सर। तुम्हारा बेटा ये जरूर ब्रायन है। और ये रहा जैक। मेरे डैड हैं। हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ। चलो घर चलते हैं। आप सबका शुक्रिया। आओ, ये है हमारे होस्ट मिस्टर जेम्स मारे। ये तुमसे मिलने को बड़े बेताब थे। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, इनका घर तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, बिल्कुल इनकी शोहरत के मुताबिक। मिस्टर मारे, मेजर फॉसेट, आपसे मुलाकात हो ही गई। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिस्टर मारे। वेलकम मिसेस फॉसेट। गुड इवनिंग सर। पर्सी, हम सभी आरजीएस में तुम्हारा भाषण सुनना चाहते हैं। उनकी बातें सुन रहे हो? सब तुम्हारे अभियान की ही बात कर रहे हैं। बेमिसाल। मैं यहां आकर बहुत खुश हूं सर। मैंने आज सुबह ही टाइम्स में तुम्हारा लेख पढ़ा, वही जो अमेरिका में गुलामों के व्यापार के बारे में था। तुम तो बड़े समझदार इंसान हो, बेचारे सीधे साधे लोग। हमें उन आदिवासियों के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। हाँ, अभी तो मुझे लगता है हमने अमेज़ोनिया की सिर्फ सतह को खरोंचा भर है। बिल्कुल सही। पता है, असल में मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, पर मैं एक खोजकर्ता भी हूँ। मैं सेकंड इन कमांड था एंटार्क्टिका में मिस्टर शैकल्टन का, शायद तुम्हें पता होगा। मुझे लगता है यहाँ पर शायद ही कोई होगा जिसे आपकी कामयाबियों की जानकारी नहीं होगी। मिस्टर मरी, सच कहा आपने। आपने अपनी जबरदस्त बहादुरी का नमूना दिखाया है। मैं जानता हूँ ये अभियान बहुत मुश्किल होते हैं। जानते हो, मैं भी काफी लंबे समय से अमेज़न जाने के बारे में सोच रहा हूँ।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आरजीएस अपने इन अभियानों को जारी रखेगा, पर मैं मुझे लगने लगा है कि नक्शा बनाना अब मेरा दूसरा इंटरेस्ट बनता जा रहा है। वाकई? मैंने वहाँ कुछ आर्कियोलॉजिकल चीज़ों की भी खोज की है वहाँ, जो मेरे हिसाब से तो बहुत अहम साबित हो सकती हैं। जैसे क्या? मुझे जंगल में मिट्टी के बर्तन मिले जहाँ हमसे पहले कोई भी गोरा नहीं गया था। मेरे दोस्त, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इन चीज़ों ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, मगर मैं कहूँगा कि इन बातों को अपने तक ही सीमित रखो। जंगली लोगों की हिमायत करना एक बात है, मगर उनकी क्षमता को हद से ज़्यादा बढ़ाकर बताना बिल्कुल अलग बात है। तुमने वहाँ जो भी देखा है उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे सफर का दिमाग पर बड़ा गहरा असर होता है। मिस्टर केल्टी, मुझे लगता है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, और खुशकिस्मती से मेरा दिमाग खुला भी है। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। अब मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी कामयाबी के बारे में आप भी जानते हैं, और उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है। मेजर पार्सी फॉसेट। थैंक यू सर। शायद मुझे अपने पति के साथ वहां होना चाहिए। लेकिन वहां औरतें नहीं जा सकती मैम। मेरे प्यारे साथियों, मैं अब ये अच्छी तरह मान चुका हूं कि अमेज़ोनिया सिर्फ एक हरा भरा रेगिस्तान नहीं है जैसा कि बहुत से लोग मानते आए हैं। मैं ये जान चुका हूं कि अमेज़ोनिया में एक प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है, वो जो हमारी सभ्यता से भी बहुत पुरानी है। मेजर फॉसेट, मैं हूं मिस्टर विलियम बार्कले बेडफोर्ड से। मैं भी साउथ अमेरिका गया था। बताइए ना मिस्टर बार्कले, आपकी छुट्टियों के बारे में सब लोग जानने को बेताब हैं। लेकिन आज यहां पर सब लोग मेरी खोज के बारे में सुनने आए हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके हिसाब से वहां सोने से भरे साम्राज्य हैं। अब आप भी जानते हैं कि उसी की तलाश में कॉन्क्विस्टाडोर्स गए और मारे गए। सर, वो कॉन्क्विस्टाडोर्स और हम ही हैं जो अमेज़ोनिया को कई सालों से बर्बाद करते आए हैं। मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा है, वो सबूत उनकी उस प्राचीन सभ्यता का, और मैं आपसे वादा करता हूं सर, वो बिल्कुल असली है। हो सकता है यहां कुछ लोगों के लिए यह मानना बहुत मुश्किल है। ये चर्च की दखियानुसी बातें सुन सुनकर हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। हम मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारी सभ्यता से पुरानी सभ्यताएं भी हैं, खास तौर पर उनकी सभ्यता जिन लोगों को हम गोरों ने गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करके उनकी नस्ल ही तबाह कर दी। अच्छा, तो आपका यह कहना है कि वो जंगली लोग भी हमारी बराबरी के हैं? मैं नहीं जानता हूं मिस्टर बार्कले, लेकिन मैं इसका पता लगाना चाहूंगा। वेस्टमिंस्टर एबी में अब भी वो जंगली रहेंगे? आप बिल्कुल घबराइए मत सर, लेकिन एक बात का अंदाजा है आपको, अगर हमें एक ऐसा शहर मिल गया जिसके वजूद तक की आज तक हमें जानकारी तक नहीं थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसकी खोज से मानव इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा? हाँ। तो गौर कीजिए इन सबूतों पर, ये सब आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं। एशिया और यूरोप की सबसे शानदार कलाकृतियां जो घने जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई थी, घने जंगल के बीचों बीच। बर्तन भांडे, बर्तन भांडे, बर्तन भांडे, बर्तन भांडे, भांडे, बर्तन भांडे, बर्तन भांडे, बर्तन भांडे, बर्तन भांडे, बर्तन भांडे, भांडे। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ।
मेरे जंगल से लौट जाने के बाद मैंने जांच करनी शुरू की एक सिग्नल डॉक्यूमेंट की, जो कि कॉन्क्विस्टाडोर्स के जमाने का ही है मिस्टर बार्कली, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक खोए हुए शहर की खोज के बारे में। ये मुझे मिला था ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में इसी हफ्ते, और इसे मेरी प्यारी बीवी ने ढूंढा, जिसे एक पोर्चुगीज सिपाही ने लिखा था सन 1753 में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हम लोग यहां एक पुराने शहर के खंडर में आप पहुंचे हैं, जिसमें काफी सारा सोना है, सड़कें हैं, मंदिर हैं, और जहां प्राचीन प्रतीक बने हुए हैं। एल्डोराडो है। नहीं साथियों, नहीं, मैं इसे कहता हूं जेड, जो मानव इतिहास का आखिरी खोया हुआ हिस्सा है। वो वहां मौजूद है और हमें उसे ढूंढ निकालना है। मिस्टर फॉसेट, मिस्टर फॉसेट, हमें वहां जाना चाहिए। हमें हर हाल में वहां लौटकर उसे ढूंढना चाहिए। क्या कहते हैं आप? मेरा यह कहना है मिस्टर मारी कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मिस्टर कॉस्टेन, मैं देख रहा हूं आप वहां पर बैठे हैं, आप हमारे साथ वापस चलना चाहेंगे? मिस्टर फॉसेट, वो जंगल नर्क से भी बुरा है, पर मुझे वो बहुत पसंद है। हम वहां वापस जाएंगे और कामयाब होकर ही वापस लौटेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है चीकी, अपने इस अभियान से मैं लोगों की तख्तानुसी और छोटी सोच को बदल कर रख दूंगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, और अब तो मैं भी अगले सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। क्या कहना चाह रहे हो? यही कि बच्चे अब स्कूल में जाना शुरू कर देंगे, और मैंने भी तारों को पढ़कर रास्ता ढूंढना सीख लिया, और उस इलाके का इतिहास भी अच्छी तरह से जानती हूँ। और फिर वो दस्तावेज भी मैंने ही ढूंढा था ना। मैं जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। एक औरत के लिए वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। वो जगह औरतों के लिए सही नहीं? हाँ, मगर हम तो दोनों को बराबरी का मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल मानते हैं, मगर सिर्फ दिमाग से, शरीर से नहीं। ये सफर इतना मुश्किल होने वाला है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। मगर दुनिया तो यही मानती है कि एक बच्चे को जन्म देते समय एक औरत जो दर्द सहती है उतना दर्द मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बच्चा पैदा करने तुम बच्चे को जन्म देने के बारे में क्या जानो? कभी उसे देखा भी है? सहने की बात तो जाने ही दो। इस जंगल को समझने के लिए कई साल अभ्यास चाहिए, ट्रेनिंग, सिपाही बनना पड़ता है पूरा। मैंने ट्रेनिंग ली है। शरीर पर अजीब अजीब किस्म के कीड़े लगते हैं, तरह तरह के जहरीले सांप घूमते रहते हैं जिनके काटने से खून की उल्टियां होती हैं। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, और तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतने सालों से बाहर जा रहे हो, इस दौरान मैंने भी खतरों का सामना करना सीख लिया है। इस तरह से कम हम कुछ वक्त तो बिता पाएंगे। देखो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी यहां जरूरत है। हम किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें साथ ले चलूं। और तुम जो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हो, बच्चों का क्या होगा? प्लीज थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। अब तुम मेरे फर्ज की बात करने लगे हो? क्या यह सही था कि मैं यहां अकेले ही बच्चों की परवरिश करूं और तुम जंगलों में भटकते फिरो? तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? एक बार भी सोचा कि एक औरत के तौर पर मैं क्या चाहती हूं? तुमने कभी ये बात सोची है? और औरत वक्त की शुरुआत से ही अपना अपना काम संभालते आए हैं, यही हमारी सभ्यता की जड़ें हैं, समझी? मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बात समझोगे, लेकिन बहुत अफसोस है कि तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है। माफ करना, मैं चिल्ला रही थी। खैर अब तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जैक, जाओ।
ओविएडो की आखिरी मार्किंग 121 मील दूर है यहां से। इसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल लो। ठीक है। मिस्टर मरी कहां गए? वो अभी भी पीछे ही हैं। मिस्टर मरे! हाँ, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, यहाँ सब ठीक है, शुक्रिया। बस लग रहा है कि मेरा बैग कुछ ज्यादा ही भारी है। मुझे शायद उन चीजों को निकाल देना चाहिए जो काम की नहीं है। क्या कहते हैं? मैं होता तो ऐसा नहीं करता। कहीं सामान कम ना पड़ जाए, सफर बहुत लंबा है। हाँ, आपकी बात सही है, पर इतने ढेर सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट की वजह से हमारी रफ्तार कम हो रही है। पहले नदी तक पहुंच लें, उसके बाद बदलने के लिए कपड़े तो रख ही लीजिए कम से कम, और सोने के लिए अपना गद्दा भी। मैं तो इस वक्त बिना कपड़ों के भी घूम सकता हूं, बहुत गर्मी है। बड़ा प्यारा सीन बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसे यहां नहीं, साउथ पोल पर जाना चाहिए था। वो जल्द ही अपने आप को संभाल लेगा, घबराओ मत। अब हम ये खत पढ़ लें क्या? सेंट कार्लोस से कई बोरियां आई हैं। आपकी बीवी और बेटे के दो खत हैं। पेरू में एक बहुत बड़ी खोज हुई है। फॉरेनर अमेरिका के हायरम बिंगम ने एंडीज में एक लुप्त शहर की खोज की है, माचू पिचू। उनका कहना है कि डॉक्टर हैमिल्टन राइस भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगता है हमारा मुकाबला उन अमेरिकियों से है। वो हमसे आगे निकलना चाहते हैं। वो यहाँ से काफी दूर है, फिर भी ये इस बात का सबूत है कि बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हमारी एक और बोट नष्ट हो गई। आदिवासी, हथियार उठाओ। नहीं, गोली मत चलाना। सब लोग बोट से उतरो अभी। सब लोग छिप जाओ। मिस्टर मैनली, अपना कॉन्सर्टीना लेकर आओ। मेरा कॉन्सर्टीना सर? जल्दी करो, सोल्जर्स ऑफ द क्वीन बजाओ, जल्दी जल्दी करो। मिस्टर कॉस्टिन, यहां आकर मेरे साथ गाओ। तैयार हो? गाओ। We are soldiers of the Queen, my lads. Who's been my lads? Who's seen my lads? In the fight for England's glory, lads. The England soldiers of the Queen. Amigos. Amigos. Amigos! Amigos! Amigos!
सुनो सुनो, अगर उन लोगों ने हमला किया तो तुम सब जल्दी मेरे पास आ जाना। कुछ भी हो जाए मेरे पास आ जाना। हम सुरक्षित हैं। यहाँ के सरदार ने हमें अपने कबीले में बुलाया है। तो ना मर गए तो आदमखोर लोग हैं। हाँ जानता, मैंने देखा। मगर सरदार का कहना है ये इन्हीं के कबीले का मरा हुआ सदस्य है। ये मानते हैं कि अगर ये इसे खा लेंगे तो इसकी आत्मा इनमें समा जाएगी। हमें इन लोगों से बात करने की कोशिश करनी है। इन लोगों को हमारी मंजिल की बहुत सी जानकारी हो सकती है जेम्स। मैं ये सब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। दोस्तों मेरे साथ चलो, आओ। सुनो, हमें अपनी बोट तक वापस जाना है। कॉस्टिन, एक तोहफा आपके लिए और आपके बेटे के लिए। इसे पहना दूं? लगवा लगवा। बहुत अच्छा लग रहा है। जाड़ी किसका? जी शुक्रिया। हम यहां पर कुछ पुराने घरों की खोज में आए हैं। बहुत सारे घर जहां बहुत से लोग रहते थे, यहां इस घने जंगल के बीच में कहीं। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? ठीक है, वो इसको बोल इच्छा बोल। इन्होंने इस शहर के बारे में सुना है मगर दावे से कह नहीं सकते। नदी में और आगे जाएंगे तो कुछ लोग मिलेंगे जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोमिता, खाना? कोमिता, खाना तो जी हाँ, शुक्रिया। ठीक है। Kanne ka takiye ko
ये बहुत कमाल की चीज है। ये सिर्फ मछलियों को बेहोश करती है, जरूरत ना हो तो ये उन्हें मारते नहीं है। क्या बात है। पूरी दुनिया इन्हें जंगली कहती है और ये जंगल में खेती करते हैं। जंगल में खेती के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग तो बस अपनी अकड़ और झूठी शान में ही खोए रहते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। उन्हें कहो यहां आकर यहां का नजारा देखें। सब गणित के साथ सटीकता से किया है। आप भी तो यही कह रहे थे ना। जरा सोचो जेड कैसा होगा दिखने में। हमारी डोंगियां अब हमारे काम की नहीं है। हमें अब एक राफ्ट चाहिए। हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। जेम्स, जेम्स, वो यहां पर है। कैसे हो दोस्त? शायद मैं रास्ता भटक गया था। गनीमत है तुम जिंदा हो। सब ठीक हो जाएगा। आओ, हमें चलते रहना पड़ेगा। मैनली, ये सब साफ करने में मदद करो। ठीक है। ये तो मेरे बैग में था। मेरी बीवी और मेरे बच्चों की तरफ से ये एक तोहफा था हम सभी के लिए। जानता हूं, पर मुझे बहुत भूख लगी थी तो खा लिया। मैं काफी थक भी गया हूं। बुरा ना मानो तो मैं आराम करना चाहता हूं थोड़ी देर। तुम्हारा थकना लाजमी है, मगर तुम्हारा ध्यान रखने के बजाय मैं अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहूंगा। और मैं अभी उनके साथ हो सकता था अपने घर पर, मगर मैं फिर भी यहां तुम्हारे साथ बैठा हूं और बड़े बड़े ख्वाब देख रहा हूं। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? रैफ तक पहुंचते ही तुम्हें पानी मिल जाएगा। मिस्टर मैनली, मेरी मदद करो, खड़ा करो इसे। आप वहीं रहना मिस्टर मरे। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मरे, नीचे बैठ जाओ बेवकूफ। कहीं के सब राफ्ट पर ना, किनारे पर चलो। किनारा बस कुछ ही दूर है। किनारे पर चलो, नाव को छोड़ो। अरे किनारे की तरफ जाओ, छोड़ो उसे।
तुम राफ्ट को डुबा रहे हो, सामान नीचे गिर रहा है, छोड़ो उसे। बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा राफ्ट को छोड़ो, मेरी बात को समझो, छोड़ो इसे, चले दो। मिस्टर बैनली मेरी मदद करो, किनारे की तरफ चलो जल्दी। मैं उसे पकड़ता हूं। चीफ, हमारा एक तिहाई राशन बह गया। मैं डूब रहा था। डूबने का सवाल ही नहीं था, यह सब हमारा खाना चुराने के बाद किया तुमने। मुझे भूख से अपनी जान दे देनी चाहिए, इस अभियान के लिए कुर्बानी दे देनी चाहिए ना, यही चाहते हो तुम, मेरी मौत चाहते हो। मत करो ऐसा, एक मर रहे इंसान की बात सुनो। मैं बहुत चाहता हूं। नाम और शोहरत के झूठे वादे, वो किताबों और इतिहास में नाम दर्ज करने की तमन्ना, उसने बहुत बुरा किया है, मुझे लाकर फंसा दिया। इस खतरनाक जंगल में हम दो हफ्ते पीछे चल रहे हैं, इस सेक्सटेंट और चार्ट्स के मुताबिक। मेरे साथ अच्छा नहीं किया चीफ। क्या समझा था उसने? उनके पैर के जख्म का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कितना आसान होगा, मिस्टर मारे के खून में जहर फैल रहा है। इतनी मुश्किलों से मैं जानता हूँ हमने क्या क्या हासिल किया। क्या वो यहाँ से लौट पाएंगे? और आज हम कहाँ पहुँच गए? मुझे तो नहीं लगता। ये नहीं चाहता, वो तो मेरे पैर की जूती चूमने लायक भी नहीं है। मुझे दूध में गिरी मक्खी समझ रहा है। मुझे इतनी ताकत दे कि मैं बच सकूं। नहीं, नहीं। हाँ बोलो क्या है? नदी में दक्षिण की ओर कुछ माइनिंग कैंप्स मौजूद हैं। कल सुबह तुम वहीं पर जा रहे हो। मैं तुम्हें हमारा आखिरी घोड़ा दूंगा और जितना सामान हो सके उतना दूंगा, और साथ में एक गाइड भी। मेरा एक भरा पूरा परिवार है, मैं तुम्हारी वजह से अपने पूरे के पूरे क्रू की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। तुम्हें ना तो मेरी फिक्र है ना ही अपने किसी और साथी की। तुम तो घर भी नहीं जाना चाहते, तुम्हें सिर्फ फिक्र है उस लॉस्ट सिटी की। यहां से रास्ता है या नहीं? हम लोग बहुत करीब हैं, चलते रहो।
चलिए वापस चलते हैं। तुमने उस कमीने को अपना आखिरी घोड़ा दे दिया और उसने बदले में क्या दिया? राशन नहीं बचा, उसके ऊपर उसने तेल डाल दिया। मैं वापस जाना ही होगा। कोई भी वापस नहीं जाएगा। हम लोग बस पहुंच ही गए। हमें दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, हमें सबूत चाहिए। लेकिन हम और आगे कैसे जा पाएंगे? हमारे पास जो सामान है वो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते टिक पाएगा। इसे भूल जाओ फांसी। आरजीएस को भेजना है, मिस्टर जेम्स मरी को हमारा अभियान छोड़कर वापस जाना पड़ा क्योंकि वो घायल हो गए थे। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस वक्त वो कहां पर हैं। मुमकिन है कि वो जिंदा नहीं बचे होंगे। हमारा बाकी का ग्रुप वापस इंग्लैंड पहुंच जाएगा, वो भी जल्द से जल्द। लग रहा है फ्रिट्ज के साथ जंग होने वाली है, हमें लौटना चाहिए वरना लड़ने का मौका गंवा देंगे। प्लीज ये थोड़ा जल्दी भेज देंगे। जी सर। जाओ पकड़ो ग्रैंड, जल्दी पकड़ो उसे। ये है जोन, तुमने भी अंदाजा लगा ही लिया होगा, तुम्हारी बेटी। क्या कर रहे हो? बहुत ही खूबसूरत। फिर से फेंके। हेलो जॉन, तैयार हो ना? फेंके, चलो जाओ 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 चलो चलो भागो। ये बहुत बढ़िया। फिर से फेंकते हैं और पीछे जाओ बस बस। ठीक है तैयार? ओके पकड़ो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं लड़कों को लेकर आती हूँ। नहीं छोड़ना मत उसे, उन्हें खेल ले। फेंको। जब वो खेल लें तो उन्हें अंदर भेजना। yes! मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। कमजोर हो गए हो, ठीक है ना? चलो आ जाओ सामने खड़े रहो। 3, 2, 1, चलो। बच्चे कितने बड़े हो गए। तुमने इनकी परवरिश बहुत अच्छी की। शाबाश। चलो 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 जल्दी जल्दी। जेंटलमैन, हमारे नए घर में स्वागत है। थैंक यू अपना समय देने के लिए। हेलो हेलो, प्लीज मेजर आइए, इस तरफ आइए। आपको नाइटहुड के लिए मुबारक हो। थैंक यू, तुम यहाँ सबको जानते ही हो। मिस्टर जेम्स मरे आज सुबह ही लंदन पहुँचे हैं। हमें लगा कि हमें जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहिए। मुबारक हो, आप सुरक्षित वापस लौट आए। आपने बहुत अच्छी कोशिश की। मिस्टर मरे का कहना है तुमने उन्हें छोड़ दिया था, ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इन्हें पैसा दिया था और खाना भी। ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि ये घायल थे और इनकी जान खतरे में थी। सर जॉर्ज, हम वहां जब तक रहे
उन जंगली लोगों के साथ बस भिड़ते ही रहे। मुझे वहां किसी लॉस्ट सिटी का कोई सबूत नहीं दिखा। आप वो वजह हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। मिस्टर मरी, तुमने हमारे राशन में तेल डाल दिया था। ये इल्जाम सरासर झूठा है सर जॉर्ज। मैं यहां ऐसे गलत इल्जाम सुनने नहीं आया हूं। मैंने अपने वकील से बात की है और वो जो कहेगा उसी के मुताबिक काम करूंगा। जहां तक इसके साथियों की बात है, सारे के सारे सुअर है, किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें तो उसी जंगल में पीट पीट के मार डालना चाहिए था। प्लीज जेंटलमैन, हमारा देश युद्ध लड़ रहा है, ऐसे वक्त में आपसी झगड़े सही नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आप बातचीत से कोई हल निकाल ले तो बेहतर होगा। तो ठीक है, मैं बस इतना कहूंगा कि अगर तुम यहां सबके सामने मुझसे माफी मांगने को तैयार होते हो तो मैं आरजीएस और तुम्हारे खिलाफ लगाए हुए सारे आरोप फौरन वापस ले सकता हूं, मगर उसकी भी कुछ शर्तें होंगी। तो बताइए मेजर, आप माफी मांग रहे हैं? आप सबकी भलाई के लिए, हां मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। मगर उससे पहले मैं मिस्टर मरी की सारी शर्तें जानना चाहूंगा। जिस दिन मैंने उस अभियान में तुम्हारे साथ शामिल होने की बात की थी और जिस दिन तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा, उस दिन इस बात की गवाह तुम्हारी बीवी भी थी। मैं बस यही चाहता हूं कि जब तुम उन बातों को मानो जो तुमने मेरे साथ किया है और जब तुम अपनी गलतियों को कबूल करो तो वो भी वहां मौजूद रहे। सर, मिस्टर मरी, आखिरी बार जब मैंने आपको देखा था तो मैंने आपको हमारा आखिरी घोड़ा सौंपा था, आपको आपके हिस्से से कहीं ज्यादा खाना दिया गया था। मेरे आदमी मुझे समझाते रहे कि आपको आपके हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और अच्छा हुआ मैंने ऐसा नहीं किया, इससे आपकी जान बच गई। तुमने मेरी जान बचाई थी? तुमने मेरी जान, तुम्हें अभी के अभी मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम मुझसे माफी मांगोगे? जी हां, माफी तो मैं मांगूंगा ही। थैंक यू। अपने आदमियों से मुझे माफ करना कि मैंने मिस्टर मरी को कभी तुम्हारा साथ देने के लायक भी समझा, और मुझे इस बात का धोखा था कि एक फौजी के रैंक से पता लगता है कि वो कितना दिलेर है, और आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। आप लोग यहां मेरे खिलाफ किस तरह की साजिश कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई बेइज्जती सहन करने की जरूरत नहीं है। मैं इस इंस्टीट्यूशन को अपना इस्तीफा देता हूं, और आज के बाद मैं जो करूंगा खुद करूंगा। नो प्लीज मेजर, प्लीज, ये तो सरासर गलत है। आप अपना फैसला बदल दीजिए, ये पागलपन है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हारे लिए खत आया है। जो भी पूर्व अधिकारी अभी ड्यूटी पर नहीं है उन्हें फौरन वॉर ऑफिस में नाम दर्ज करना है। उम्मीद है ये झगड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। बच्चों से बात कर लो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैंने सारी जिंदगी इसी दिन के लिए तैयारी की है। डैड, जैक, ब्रायन, हावी को बाहर ले गए थे? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, मैं ले जाता हूं।
डेर, आप हमें फिर से छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना लड़ाई में? अगर अफवाहें सच हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। डेर, आप अभी अभी तो आए हैं, हमारे साथ वक्त भी नहीं बिताया। देश की सेवा तो करनी ही पड़ती है। देश की सेवा और मॉम की जिम्मेदारी का क्या, और हमारा क्या? आपका परिवार, वो परिवार जिसे आपने कई सालों से छोड़ रखा है। जैक, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? और आपने आपने हमारे साथ क्या किया? क्या आपने हमारे बारे में कभी सोचा? आप तो बस इंडियंस या जर्मन्स के बारे में सोचते हैं कि आपका नाम किसी तरह से रोशन हो सके। जैक, बस करो, बहुत हो गया। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आप नाकाम होकर लौटे हैं, अखबारों में सिर्फ इसी का जिक्र है, और आप फिर से हमें छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि आप चुप करो। पर्सी, आई हेट हिम। सुनो जैक, जब से तुम इस दुनिया में आए हो तब से तुम्हारे डैड ने हर काम सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही किया है। मेरी बात याद रखना, एक दिन उन बातों पर तुम्हें अफसोस होगा जो तुमने आज कही हैं। जाओ अपने कमरे में जाओ। प्लीज जाओ। आपको एक बात मालूम है चीफ, शायद हमारे पुराने दोस्त मिस्टर जेम्स मरे ज्यादा पावरफुल इंसान नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो एक आर्कटिक एक्सपीडिशन पर गया था कैनेडियंस के साथ, और वहां भी उसने विद्रोह कर दिया। तब से उसकी कोई खबर नहीं है। खुद देख लीजिए। मगर मुझे यकीन है कि वो अपनी चालाकी से फिर सही सलामत लौट आएगा। कोई वहां के लोगों को चेतावनी दे दो कि मिस्टर मरे उनके इलाके में घूम रहे हैं। सुनिए मेजर, मिस्टर कॉस्टिन, हमने रूस की एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिस्ट को यहां बुलाया है, आइए, वो आपको आपका भविष्य बताएंगे। हम उसे स्मगल करके यहाँ लाए हैं। इस रूहानी दुनिया में आपका स्वागत। समय पूरा हुआ, अब मेजर साहब को जाने दो, आ जाओ। अब मेजर साहब का भविष्य सुनते हैं। जल्द ही जंग शुरू हो जाएगी मैडम, आप हमारी कोई रूहानी मदद कर सकें तो हम आपके आभारी रहेंगे। आप एक खोजकर्ता हैं? हाँ, मैं था, और मेरे साथ थे ये बहादुर आदमी। हम सब ने यहां की पोस्टिंग ली ताकि साथ में लड़ सकें। मुझे अपना हाथ दीजिए। महसूस कीजिए मेरे हाथ, मेरी आवाज सुनिए। क्या वो कोई जंगल है? क्या आप जंगल में जाने के ख्वाब देखते हैं? मैं खोया हुआ प्राचीन शहर ढूंढना चाहता हूं। क्या आप खुद को वहां देख रहे हैं अभी? देखने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग से। उसे देख सकता हूं। जो देख रहे हैं उससे धोखा मत खाइएगा। आपको जो मिलने वाला है
वो आपकी उम्मीद से कहीं बढ़कर है। एक विशाल जगह जहां ढेर सारे लोग होंगे। जब आप उस जगह को ढूंढ लेंगे तभी आपको शांति मिलेगी और वही होगी आपकी नियति। उसी से आप इस दुनिया को रोशन करेंगे। हमारी दुनिया ने तो खुद को आग में जला रखा है। ये आग बुझाने के लिए हमें कहीं और मदद तलाशनी पड़ेगी। Good morning, gentlemen. Good morning, sir. जब मैं जवान था तो मैंने अपने बादशाह और देश के लिए बहुत कुछ किया, इज्जत और रैंक के लिए। मुझे लगा था कि एक आदमी को यही सब चाहिए होता है, मगर मेरे सफर ने मुझे यह सिखाया है कि इस तरह के बड़े बड़े ख्वाब आंखें बंद करके ही दिखते हैं। मैं जानता हूं कि हम सब अपने दिल से अपने चहेतों के लिए लड़ रहे हैं और यह अच्छी बात है, पर वो लोग यहां नहीं हैं तो क्यों ना हम यहां पर एक दूसरे के लिए लड़ें। गुड लक। उम्मीद है ईश्वर तुम सबका साथ देगा और उन कमीनों का अंत करें। सही कहा मिस्टर कॉस्टिन। चलो दोस्तों, मोर्चा संभालो।
डार्लिंग, मैं आ गई हूँ। हम सब यहाँ आ गए हैं, बच्चे भी मेरे साथ हैं। नीना। हाँ मेरी जान, इधर आओ। ये जोन है, डैड को अपना चेहरा महसूस करवाओ। आ गया, देखा, ये ब्रायन है। जैक कहाँ है? डैड मैं यहाँ हूँ। मुझे तो लगा मैं मर गया। अरे नहीं, तुम क्लोरीन गैस का शिकार हो गए थे। तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाकी सब कहाँ है? कॉस्टन, मिस्टर कॉस्टन बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हारी ब्रिगेड को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ब्रिगेड ही वहां से भागी नहीं थी, और इसी बहादुरी की वजह से तुम्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल, इतना सब कुछ करने के बाद भी? जैक, मैंने एक सपना देखा था अमेज़ोनिया के बारे में। मुझे लग रहा है कि अब आप शायद अब फिर कभी जंगल नहीं जा पाएंगे। आई एम सॉरी। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे वापस जाना ही होगा। मेरी जान, तुम अभी इन सारी बातों को भूल जाओ। मैं बच्चों को बाहर ले जा रही हूँ। चलो मेरे साथ। अमेरिका तो आपका दीवाना हो गया है। हमारे रीडर्स पूछ रहे हैं कि आप जंग के बाद से कहाँ हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पढ़ने वालों से कह दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं अब अपने घर में रहने लगा हूँ। आपने साउथ अमेरिका में जो किया है, उसके बाद पूरे अमेरिका में नई खोज करने का जुनून से शुरू हो गया है। कई लोग नए नए अभियान पर जा रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ, डॉक्टर हैमिल्टन राइस जल्द ही ब्राज़ील जाने वाले हैं, रेडियोज और एयरप्लेन्स लेकर। वो अपने साथ एक छोटी सी फौज भी ले जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर राइस अपने उन हथियारों से उस चीज को बर्बाद न कर दें जिसे वो ढूंढने जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? जी सर। आपने हमें यहां ढूंढा कैसे? आपके बेटे की वजह से कर्नल। उसने हमें खत लिखा था। उसने आपको बताया नहीं? Good shot, Jack. Thank you, Dad. अब तुम राइफल चलाने में माहिर होते जा रहे हो। Practice ही perfect बनाती है, Dad.
मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। ये मुझे दिया था एक गुरानी कबीले के सरदार ने। बढ़िया आदमी था। अब ये तुम्हारा है। थैंक यू। वो दिन बहुत ही शानदार रहा होगा। आज भी आप सेट पर यकीन करते हैं ना? हमने इंडियंस को कमजोर समझा, इसलिए हमें वापस जाना होगा। आप और मैं एक साथ उस शहर को हमेशा के लिए ढूंढ निकालेंगे। जैक, अब मैं एक बुढ़ऊ बन चुका हूं। डैड, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप आज भी मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, और अब तो आप अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। अब हमें कोई भी रोक नहीं सकता। डैड, अमेरिकी वहां अपनी गन लेकर जा रहे हैं, मगर हम दुआ करेंगे कि वो इंडियंस को कुछ ना करें। हम वो सिटी उनसे पहले ढूंढेंगे। अब मैं हर कीमत पर आपके साथ जाना चाहता हूं। वही तो आपका सबसे बड़ा सपना है। हमें अपनी अर्जी बहुत ऊपर तक भेजनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि काम खतरनाक है, पर आपने खुद कहा था कि यूरोप में जो भी हुआ है उससे हम अपनी जिंदगी में आसानी से बचकर नहीं निकल सकते। मेरी उम्र के न जाने कितने ही लोग जंग से वापस नहीं आ पाए, और इस बात की क्या गारंटी है कि अब ऐसा नहीं होगा? ऐसा हो सकता है मॉम, फिर से हो सकता है। मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए क्योंकि आज तुमने मुझे मेरी ही बातों से चुप करवा दिया है। जैक, मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ। जॉन मुझे बहुत परेशान करती है। जॉन, मुझे मारो मत। थैंक यू। जाओ अब। जाओ, इसने फिर से मुझे मारा। देखो ब्रायन, मैं अभी बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। जाओ, अपनी बहन को बाहर ले जाओ और उसे लकड़ी के कुछ टुकड़े दे दो। जाओ, खुद संभालो उसे। मॉम प्लीज। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुझे तुम दोनों के जाने के बाद फिक्र रहेगी। लेकिन हम डर की वजह से भविष्य खराब नहीं कर सकते। समझ गए? मॉम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मॉम। जैक, 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 हम अभी नहीं निकल सकते। जानता हूं। पहले हमें बहुत पैसा जुटाना पड़ेगा। मुझे सब पता है, जानता हूं। शाबाश, जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। तुम ट्रेनिंग करो। हाँ, क्यों नहीं करूंगा, मैं अभी करने जा रहा हूँ। आप और मैं और मिस्टर कॉस्टिन, मुझे पता है वो भी आएंगे। थैंक यू मॉम, थैंक यू। क्या हुआ? मैं तो बस हैरान हूं कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई। मैं और क्या कह सकती थी, ये तो उसका स्वभाव है, मैं उसे नहीं बदल सकती। और फिर तुम भी तो उसके साथ ही रहोगे। ये लीजिए चीफ, ये मेरी आखिरी नोटबुक्स है, उम्मीद है इनसे आपको मदद मिलेगी। तुम्हें साथ चलने के लिए मना नहीं सकता क्या?
कितने करीब पहुंच गए थे हेनरी। जानते हो हमारी खोज का मतलब क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ वो शहर ढूंढना चाहता हूँ। चीफ, अब मेरे भी बीवी बच्चे हैं। जब हम पहली बार गए थे हेनरी, तो मेरे बच्चों की उम्र तुम्हारे बच्चों से बहुत कम थी, मगर उन्हें बढ़ता देखने की कुर्बानी दी मैंने। लेकिन आज अगर तुम मेरे बेटे को देखो, उसका तेज, उसकी हिम्मत, मैं जानता हूं कि उससे मिलने के बाद तुम्हारी हिम्मत तीन गुना बढ़ जाएगी। आपके लिए और ब्रांडी लाऊं सर? नहीं, थैंक यू नाइजल। और आपके लिए सर? नहीं, शुक्रिया। चीफ, प्लीज आप मेरी बात समझिए, मेरे लिए ये मुश्किल है। ये जो जी की खोज है, अब मैं उसका खर्च नहीं उठा सकता। तुम्हें शक होने लगा है कि वो है भी या नहीं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जी से आपको हर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूं दोस्त। हम वहां पर सैर सपाटा करने नहीं जा रहे हैं। भारी भरकम मिशन अक्सर नाकाम होते हैं। वो बस खोज के किनारे तक पहुंचते हैं और उसका जोरदार प्रचार शुरू कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग फील्ड में 3 साल तक रहेंगे। हम अपने पैरों पर खड़े हुए मिलेंगे, अपने दिमाग के सहारे जिएंगे। जैसे ही मौका मिलेगा, हम कबीले वालों के जरिए हमारी खबरों को छापने के लिए पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपके इस अभियान के लिए पैसे कौन दे रहा है, आप बताएंगे? हमारे इस अभियान के लिए अमेरिका के कुछ अखबार पैसा देने के लिए राजी हो गए हैं, और साथ ही मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर जूनियर। आपको पता है, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने आपके इस अभियान पर पैसा लगाने की पेशकश की है। मुझे खुशी है कि हमारा देश भी मदद करना चाहता है। मैं अब आप लोगों को इस सफर पर जाने वाले अपने साथी से मिलवाना चाहता हूं, मेरा अपना बेटा मिस्टर जैक फॉसेट। मेरे बेटे में बहुत अनुशासन है और अपनी माँ की तरह बहुत दिलेर। अब मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ कि अमेरिका हमें शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ सही हो रहा है। भगवान सर जॉर्ज की आत्मा को शांति दे, वो बेहद पसंद करते थे आपको। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं तब आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। अब भविष्य से बड़ा कुछ नहीं सर। सही कहा। मैंने पिछले 20 सालों से इसे संभाल कर रखा है। जब हम जेड पहुंच जाएंगे, तो एक सिग्नल के तौर पर मैं ये आपको भेजूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरा वापस आने को जी ना करे। ओ, बकवास बंद करो। नहीं, ओ सुनो, हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं मिस्टर बाकले। प्लीज, ये है हमारा सबसे बड़ा सम्मान, द फाउंडर्स गोल्ड मेडल। आप इसके सही हकदार हैं कर्नल। वाकई सही कहा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम 7th को पोर्चुगल जाएंगे और फिर ब्राजील में मिलेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, मेरी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मेरी डेस्क में हैं और उसकी एक कॉपी मिस्टर कॉस्टन के पास भी है। तुम 1000 बार ये बात बता चुके हो, जल्दी जाओ वरना जहाज निकल जाएगा। अब तुम बड़े हो गए, अपनी बहन और अपनी माँ का ख्याल अब तुम्हें रखना है। मुझे निराश मत करना, क्योंकि तुम्हारा काम हमारे काम से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। समझे बेटा? गुड बाय डैड, मुझे आपकी याद आएगी हमेशा की तरह। अपने डैड का ख्याल रखना। कोई कहने की बात है, जरूर रखूंगा। खूब मस्ती करना और हौसला रखना। गुड बाय जून। गुड बाय डैड। आई लव यू। तो मैं चलता हूँ इतिहास बनाने के लिए। गुड बाय, अपना ख्याल रखना।
4 करोड़ डैड, अखबारों के मुताबिक 4 करोड़ लोगों की नजरें हम पर हैं। बहुत बड़ी बात है। कमाल की बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ मुझे भी। हम जल्द ही नदी में पहुंच जाएंगे। किस्मत अच्छी रही तो ओपेरा देखेंगे। वो यहीं पर गाते थे। कमाल की जगह है। अफसोस तुमने ये जगह उन दिनों में नहीं देखी। हाँ। ये जंगल अपना संतुलन बना रहा है। मेरी प्यारी चीकी, जेड पहुंचने से पहले तक ये मेरा आखिरी खत होगा। मेरी टीम के बहुत से लोग घर वापस जा रहे हैं। जैक यहां बहुत बहादुरी दिखा रहा है। हम आज इंडियंस के कबीले में पहुंच गए हैं। उन्होंने हमें एक ऐसी गुफा के बारे में बताया है जिसके बारे में इस कबीले के बाहर के लोग नहीं जानते। ये आपके लिए तोहफा, ये आपके लिए। उन्होंने बताया है कि वहां एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसके ऊपर इंसान और घोड़ों के चित्र बने हैं। हो सकता है वो जेड तक जाने का रास्ता हो। ये शायद उसका प्रवेश द्वार है। करीब आ जाइए। कबीले के सरदार हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और ये मुझे बार बार याद दिला देते हैं कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उस प्राचीन सभ्यता तक 1 महीने के अंदर पहुंच जाएंगे। उसके बाद से हमारी किस्मत ऊपर वाले के हाथ में होगी। अगर हम नाकाम रहे तो बिल्कुल भी मत घबराना। शांत रहना, मैं सही तरीका जानता हूं। बस आगे बढ़ते रहना। अमीगोस, 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 अमीगोस। चलो जिस रास्ते आए हैं वहीं वापस चलो। आराम से, आराम से, जल्दी मत करो। जंगल में चलो जल्दी। Jack!
हिम्मत रखो, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, मेरा भरोसा करो। Bem, mas eu sei que eu não sei. Nós vamos puxar em direção. Nós vamos voar na rua e ficar nesse quieto. Rodo, não se casa. A vida hoje. जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है मेरे बच्चे। हम इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। मगर हमने यहां एक ऐसा सफर पूरा किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस सफर से हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। देखो तो ये काफी अच्छा। एक जाम हो जाए, क्या कहते हैं? जी लॉर्ड बनार, मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। पढ़ो, मैं तैयार हूँ। तब लिखा था जब डर था कि अगर बच्चे को जन्म देते समय नहीं बच पाई तो। प्यारे पर्सी, मैं जानती हूँ कि तुम सबसे पहले मातम करोगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भूलकर
अपना सारा प्यार अपने बेटे को देना। मैं जानती हूं कि बेटा ही होगा। उसे सपने देखना सिखाना, उसे अनजाने को जानने की हिम्मत देना, उसे बताना कि हर खूबसूरत चीज अपने आप में एक इनाम है। और मैं गुजारिश करूंगी कि उन बातों को याद रखना जिन्हें अक्सर भूल जाते हो। एक आदमी को उसकी हदों के पार होना चाहिए, वरना आसमान किस काम का है। मेरे जाने जिगर, एक आदमी मुझसे मिलने आया था। वो ब्राजील का था। उसने उन्हें देखा है। उसने जैक और पर्सी को इंडियंस के साथ रहते देखा है। उसका दावा था कि वो दोनों सेट सिटी तक पहुंच गए हैं। देखिए देखिए, उन्हें गए कई साल हो चुके हैं और हमने उनकी तलाश में सैकड़ों लोग भी भेजे, मगर आपके पति या बेटे की कोई खबर नहीं मिली। आप भी सच को स्वीकार कर लीजिए। सर जॉन, मैं जानती हूं कि उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा। मैंने ना जाने कैसे उन बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश की है, हर डर का सामना किया, लेकिन मैं बस यही चाहूंगी कि आप भरोसा मत छोड़िए। मैं जानती हूं कि इतने साल की कुर्बानियों के बाद ये मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ब्राजील से आए उस शख्स ने ये आपको देने के लिए कहा था। उसने कहा, पर्सी कह रहा था आप समझ जाएंगे। मैं भी अब सबूतों को अच्छी तरह से पहचानने लगी हूं और यकीनन ये एक संकेत है। हाँ, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।